जय माँ भुवनेश्वरी। आप लोग सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रदीप डकाल और मैं इस माँ भुवनेश्वरी मंदिर का पूजक हूँ और 10 साल से पूजा अर्चना करके आ रहा हूँ। और यहाँ जो पूजा अर्चना होता है, नेपाल का विधि विधान से ही पूजा अर्चना होता है। उसके विधान से प्रतिपदा के दिन में कलश घट स्थापना करते हैं, अंकुरोपण करते हैं और प्रत्येक दिन माँ भगवती का पूजा अर्चना चंडी पाठ करते हैं। अष्टमी के दिन में माँ भगवती के प्रसाद के रूप में प्रिय पुष्प के रूप में बिल को निमंत्रणा करते हैं और सप्तमी के दिन में फूलपाती में उसी बिल्व को धन्य अशोका हरिद्रा सब माताओं का जो प्रिय पुष्प है उनको लेके कोट में विधि विधान से पूजन करके फूलपाती के रूप में पूजा घर में भितराया जाता है। अष्टमी में हवन कार्य होता है, नवमी में बलि कुष्मांड बलि करते हैं, कन्याओं का पूजन भोजन करते हैं और दशमी में माँ भगवती का विसर्जन करके उनका प्रसाद के रूप में टीका और जमरा ग्रहण करते हैं। इसी का वो अपने से मान्य जन उसे टीका ग्रहण करते हैं। वो एक मान्यता है कि अपने से बड़े से आशीर्वाद लेने से उनके मुँह में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में वो वाणी निकलेगा और सरस्वती माता के रूप में वो आशीर्वाद लगेगा बोल के सभी को मैंने एक मान्यता है। और वो जो अंकुरोपण है उसको धारण करने से लक्ष्मी माता खुशी प्रसन्न रहेंगे और घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, वर्ष भर सुख शांति, बड़ा कोई दुर्घटना बीमारियों नहीं होगा बोल के वो ये दशहरा बोला जाए तो नेपाल के हिसाब से सबसे बड़ा चाड़ है। इससे बड़ा चाड़ और दूसरा नहीं है और इसमें सभी जो गरीब से लेकर धनी तक सब हर्ष उल्लास से रहते हैं। जिसके पास नहीं है वो भी उस समय जुगाड़ करके रखे उस समय में अपना भगवती का पूजा अर्चना करके खुशी प्रसन्न होकर रहते हैं और घर घर में खुशहाली रहता है और अपने से बड़ा मान्यजन से टीका ग्रहण करके आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ का जो हमारा परंपरा देख के जो यहाँ भी सब जितने भी भाई लोग हैं उन बहुत खुशी प्रसन्न रहते हैं, उसको देख के हमारा और उत्साह बढ़ जाता है और जो वहाँ का परंपरा है उसको सब लोग खुशी से देखते हैं और वही परंपरा हम कायम रखने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये सभी का इसे आशीर्वाद मिले, सब खुशी रहें तो ये इसी तरह पूजा अर्चना बाद में भी फ्यूचर में भी इसी तरह करते चल देगा। आज ही है माँ दुर्गा दशमी तिथि, ये जेहेतु नेपाली सब अच्छा नेपाली परंपरा ये कार्य कर सही परंपरा अनुकरण करके मु एक कर्ता हिसाब रे आमे जितकी तंकर कर्तव्य जमती तंकर कार्यक्रम सुचारू रूपे हेबो सही हिसाब रे आज ए पर्यंत पालन करी आइछु आउ खुशी लागुछि तंकर सहित मिसिकी तंकर ट्रेडिशन आमर टू टिके भिन्न। आज तंकर जमेरा पर्व टीका दान पर्व एथिरे बड़ मानकर से माने आशीर्वाद नियंती छोट माने एवं भगवान निकट में प्रार्थना करती एवं आज दिन तांकर मेन पर्व जमती आमर नुआखाई पर्व हुए आज तांकर सब जे जो जो जगार थे भी ये आसी समस्ते एकत्रित हो ये पर्वटी को पालन करते हाँ ये तो गुर्खा बाटेलेन आम जो एपॉइंटमेंट हुए नेपाल रु आसती आम इंडिया भी आसती एठी आसिकी तांकर परंपरा जितकी एठी नियम पालन करा जाए माँ दुर्गा प्रति माँ भुवनेश्वर प्रति एठी मंदिरटा भी आमर निजे से माने करिसंती श्रमदान करिकी निजे कंट्रीब्यूशन करिसंती तांकर जितकी नीति नियम पालन करिया कथा रीति नियम हिसाब रे पालन करंती आउ से पालनटा को आमर ओडिया भी आजिकल ओडिया जेहेतु सेकेंड बटालियन झारसुगुड़ा पाखे अच्छा ओडिया झारसुगुड़ा भी बहुत लोक आसती बहुत दूर दूरातर आसी ए पर्वटी को उपभोग करती देखती खुशी हमती। और आज दशहरे का जो दशमी है ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है और ये नेपाली का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में मतलब जितना भी दूर में भाई बहन चाचा चाची जितना भी रहते हैं सब लोग आते हैं, एक साथ बैठते हैं, टीका लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं। दशहरे का जो भगवान जी पंडाल बैठा रहता है उसे देखने जाते हैं। जैसे कि हमारा सेल रोटी होता है,
सेल रोटी और ये हमारा जो चटनी बोलते हैं अचार वो होता है, और चूड़ा चूड़ा मांस वो बैठ के खाते हैं, ऐसे ही है। इंजॉय तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सब लोग आते हैं, बातचीत होता है, मतलब मौज मस्ती एक साथ, सब जितने भी दूर के रिश्तेदार होते हैं सब लोग आते हैं, इसलिए बहुत मज़ा आता है इसमें। हम लोग का ये दशहरा और दिवाली ये दोनों बहुत बड़ा त्यौहार है। जय माँ भुवनेश्वरी। मेरा नाम जैनी गोविंद प्रसाद उपाध्याय पौडेल है, अभी हाल दुर्गा मंदिर का पूजक हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं दशहरा में, आपको प्रतिपदा से लेकर नवमी में, तो वहाँ तक तो नवमी दशमी तक पूजा किया जाता है। नवमी दिन में हम लोग कुष्मुंडा बलि दिया जाता है, कुष्मुंडा बलि देने से जो फल का जो कुमिंडो बलते हैं उनका फल दिया जाता है। दिने के बाद आपको तो दिन सार तो होमन हो गया, कुष्मुंडा बलि हो गया, कल रात्रि का पूजा भी हो गया। फिर दूसरा जब दशहरा का दिन में क्या करते हैं, प्रतिपद में रखा हुआ जो अंकुर है वो अंकुर को ले आके माँ भगवती को चरण में चढ़ाते हैं, और जो अक्षता है उनको कवाच करके मंत्र करके सुबह का टाइम में पूजा पाठ करके जो किसी को कष्ट न हो, नवग्रह शांति हो, किसी का घर में दुख न हो, कष्ट न हो बोलने के लिए जो प्रतिपदा में लगा हुआ जो अंकुर जो दशमी का दिन में अपने से बड़ा आदमी के साथ वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए वो लगा देता है। इसमें सर ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपको अपने से बड़ा का साथ जो आशीर्वाद मिलता है ना सर, वहाँ पर आपको बहुत बड़ा ग्रह और ग्रह अलग शांति होता है सर, तो इसलिए वहाँ वही एक इम्पोर्टेंट हो जाता है सर, भगवान कभी कष्ट दूर न मिलता नहीं। हाँ, दशहरा में क्या होता है सर, घर में अपने से बड़ा जो पिताजी होते हैं उनका साथ अपना जो फैमिली हो गया, बच्चा बाल बच्चा हो गया, अपना जो भांजा ज्वाइन जो रिश्तेदार आते हैं वो लोग को क्या करते हैं सर, टीका उका लगा के मिठाई देते हैं, सेल रोटी बनाते हैं, जैसे ही आप लोग यहाँ पिठा उठा बोलते हैं ऐसे ही करके, तो वहाँ हम लोग अच्छा करके सेल रोटी उलटी करके जो अच्छा करके भगवान माता का प्रसाद के रूप में लिया जाता है। अमेजिंग होम फर्नीचर्स लाया है आपके लिए प्रीमियम इंपोर्टेड ओबिक्स मार्बल डाइनिंग सेट, बेडरूम सेट्स, एल कॉर्नर सोफा के एक्सक्लूसिव कलेक्शंस। अमेजिंग होम फर्नीचर्स नियर कोऑपरेटिव एंड यूको बैंक, मंगल बाजार रोड, झारसुगुड़ा।